गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मीनाक्षी, योर SSC टीचर वेलकम्स यू इन योर ज्योग्राफी क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर ज्योग्राफी 4th लेसन एयर। हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर में हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी गैस थी हमारे यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन 78%, फिर है ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93% और अदर गैसेस भी हैं जो जिनका पार्ट कितना है 0.04%। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 22 पेज नंबर ऑफ दिस लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर का मतलब कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, कैसे बना है हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसे बना है। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। वो कौन कौन सी है 5 परतें, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, यानी 5 लेयर है जिससे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बनता है। वो ट्रोपोस्फेयर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल एंड एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडलीय बहिर्मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, हम पहली लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर क्या है, दिस लेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, सबसे जो इसका कोई ना कोई रीज़न है कि एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर है हमारी वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जिस लेयर पर रह रहे हैं तो वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 30 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है, ये जो हमारे साथ के साथ हम एक डायग्राम जो दिखाया हुआ है फिगर 4.2 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ है मान लिया। ये जो अर्थ है इससे ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ से 13 जो किलोमीटर है वो क्या है, हमारा ट्रोपोस्फेयर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमा लाइक रेनफॉल, फोग, हेलस्ट्रोम एक्योर इन दिस लेयर। इस जो ये जो वेदर की जो लेयर है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा या ओले जो पड़ते हैं वो इसी परत के अंदर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे रहने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, जो हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। हम ऑक्सीजन के बिना क्या है, जीवित नहीं रह सकते ना, तो ये इसीलिए क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। अब नेक्स्ट हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अब जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इन दोनों के जो बीच है वो इन दोनों का जो बीच बनेगा, यानी जहाँ पर क्या होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर रुक जाती है, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या होता है सौरमंडल जो है वो रुक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ से इसका ट्रोपो ले देते हैं और पोज बना देते हैं। पोज का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी यहाँ पर हमारी जो ये लेयर है वो रुक गई, आगे हमारी जो लेयर स्टार्ट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, की इसके ऊपर क्या होती है, सौरमंडल के ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल कहलाता है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, इसकी जो हाइट है यहाँ से कितनी है, 50 किलोमीटर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिया मेक
किंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होती है। ये सारी इन चीज़ों से क्या होती है, वेदर से मुक्त होती है। तो इसके अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग एरोप्लेन हम क्या उड़ा सकते हैं, इस पर क्या उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। जब मान लो क्या होता है, मौसम ख़राब होता है, आप देख रहे हैं ना, आप जहाँ पर हम इस में दिख रहा है हमें, जहाँ पर हमारा क्या है, ये पोज हो रहा है ट्रोपोस्फेयर, हमारा जो पोज हो रहा है वहाँ पर ऊपर हमें क्या दिख रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है ना एक एरोप्लेन। ये जो एरोप्लेन है वो हाँ कौन सी लेयर में उड़ता है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो इसके लिए क्या है, अनुकूल है। तो लेकिन जब मान लो हम बोलते हैं वेदर ख़राब हो जाता है कई बार, है ना, तो उस समय क्या होता है, ये जो हमारा एरोप्लेन है वो क्या, हवा में ऊपर ही मूव करता रहता है। जब पता लगता है वेदर कंडीशन ख़राब होने वाली है, तो अंदाज़ा जब लगा लिया जाता है, तो वेदर तो हमारा एरोप्लेन को हम नीचे नहीं लाते, ऊपर ही इसी लेयर में घुमाते रहते हैं। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर कौन सी गैस है, ओजोन गैस। और ओजोन गैस हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इससे जो हमारे सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, हानिकारक जो हमारी किरणें होती हैं, हार्मफुल, उससे हमें ये ओजोन जो गैस है वो बचाती है, डायरेक्ट क्या है वो पृथ्वी पर नहीं आती। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो भी हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। वही ये सन रेज से हमें क्या है, हार्मफुल इफेक्ट से स्टेटोस्फेयर ही बचाता है। ओके स्टूडेंट, आगे समझ में। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर क्या है, मध्यमंडल क्या है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की थर्ड लेयर क्या है, हमारी एरी मीजोस्फेयर। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मीजो स्टेटोस्फेयर खत्म हो रहा है, मैंने बताया था इसका हम क्या ले लेंगे, स्टेटो ले लेंगे और ये पोज ले लेंगे। पोज का मतलब रुक गई, यहाँ पर हमारी ये जो स्टेटोस्फेयर है वो रुक जाती है और हमारी कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, मीजोस्फेयर स्टार्ट होती है। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये हमारे एटमोस्फेयर की क्या है, थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्टेटोस्फेयर। यह सप्ताप मंडल के ठीक कहाँ होती है, ऊपर ही होती है ना सप्ताप मंडल के, यानी स्टेटोस्फेयर के क्या है, ठीक ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से 80 किलोमीटर है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन द दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। कई बार हम सुनते हैं ना कि मेटोरॉइड जो होते हैं वो धरती पर गिरने वाले हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये मीजोस्फीयर से ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर बाह्य वायुमंडल। थर्मोस्फीयर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विदाउट इंक्रीजिंग हाइट। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी जैसे जैसे अर्थ से इसकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, तापमान भी अधिक बढ़ता है। लिनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। लिनोस्फीयर भी क्या है, थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है। लिनोस्फीयर क्या होता है, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लिनोस्फीयर, लिनोस्फीयर में के कारण ही हम क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हम ये रेडियो वगैरह अगर हम सुनते हैं उसके जो सिग्नल है वो कहाँ से पकड़ते हैं, थर्मोस्फीयर, लिनोस्फीयर से। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये कितना है, इस कितनी दूरी पर है, 80 से लेके 400 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। दिस लेयर हेल्प रेडियो ट्रांसमिशन। इससे क्या होता है, रेडियो संचार के लिए यह परत बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है। इन फैक्ट वास्तव में रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक
टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस जो ये जो लेयर है, इस लेयर से वास्तव में पृथ्वी पर जो भी प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगे हैं, इस परत के द्वारा ही पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी जो भी हम आजकल रेडियो में जो भी कुछ अगर हम सुनते हैं, यानी हमारे जो सिग्नल है वो कौन सी लेयर से पकड़ता है, वो थर्मोस्फेयर से। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर है ना, ये लेयर क्या है? सबसे ऊपर है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज ए वेरी थिन लेयर। ये जो ये क्या है, वायु की एक बिल्कुल पतली सी परत होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। हमारे यहाँ पर जो ये लाइट गैसेस है, दो हमारी लाइट गैस होती हैं, वो लाइट गैस कौन कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। वो जो गैस है वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारी एक्सोस्फेयर में पाई जाती है। कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। इसमें क्या बनते हैं? हीलियम और जो हाइड्रोजन है उससे ही क्या होता है, हमारे जो स्टार है वो बनते हैं। यानी हमारे जो हम जो ये तारे देखते हैं वो किसके कारण बनते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण बनते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लिया, हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लिया, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फाइव हमने लेयर कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। आपको लगता है कि वेदर और जो क्लाइमेट है वो एक ही जैसा शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। हम कह दें आज वेदर ऐसा है, यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अपने से अपोजिट है। कैसे है इसके बारे में हम रीड करेंगे। इज इट इज गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, क्या आज का दिन साफ होगा और क्या होगा, सनी, धूप निकलेगी? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एक्सिनियस क्रिकेट फैन सबक्यूलिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। सुना है ना, टीवी के अंदर क्या है, अनुमान लगाते हैं कि मैच कई बार क्या कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं ना भाई, वो पोस्टपोन कर देते हैं भाई, आगे होंगे। कारण क्या है? उनको वो वेदर को क्या कर लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं कि हो सकता है आज बारिश आ जाए। ठीक है, इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर। यदि हम कल्पना करें हमारा शरीर एक रेडियो है और उसके मस्तिष्क उसके क्या है, स्पीकर है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, हम मान लेते हैं कि रेडियो है, और हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो क्या है, हमारा ब्रेन क्या है, हमारा स्पीकर है। ठीक है, वेदर इज समथिंग दैट फिडलाइज विद इट्स कंट्रोल नोब्स। तो इसके बटन, इसके नियंत्रण बटनों से कोई भी अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होगा? वेदर एंड क्लाइमेट, अब हम पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। वेदर इज दिस होर टू होर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। अ होट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। कि मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। यानी से हम मौसम अगर कैसा है उसके हिसाब से ही हमें पता लगता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर मान लो ज़्यादा तेज़ धूप है तो बाहर जाकर हमारा क्या होगा, मूड ख़राब हो जाएगा। अगर मौसम क्या है, प्लेजेंट मौसम है, सुहावना मौसम है, अगर हम गर्मी का टाइम है अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तो वेदर क्या है, वेदर इज़ दिस होर टू होर, जो क्या है, होर टू होर चेंज होता रहता है। इस टाइम अगर वेदर क्या है, कैसा है, थोड़ी देर में वेदर कैसा हो, डे टू डे अगले दिन बाद वेदर चेंज हो सकता है, कैसा वेदर है।
तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो क्या कहलाता है, वेदर, जो क्या है घंटे में भी चेंज हो जाए, एक अगले दिन भी चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल, अगर मौसम में प्लेजेंट है, ब्रीजी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वो क्या होगा हमारे लिए, चेयरफुल, उससे हम क्या हो जाएंगे, हमें आनंद आएगा। एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और हम क्या कोई भी प्लान कर लेंगे बाहर जाने के लिए। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर जो है वो हमारा क्या है, ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय रूप से, क्या है नाटकीय रूप से, नाटक जैसे चेंज होता रहता है, तो ये चेंज होता रहता है डे टू डे। वेदर क्या होगा, जो होर टू होर या डे टू डे जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब क्लाइमेट क्या होती है, हाउएवर किंतु द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द वेदर ऑफ प्लेस, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। यानी कि जहाँ पर जो मौसम है ऐसे चेंज नहीं होता, होर टू होर चेंज हो गया, डे टू डे चेंज हो गया, जहाँ पर मौसम क्या है लंबे समय तक वैसा ही रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, जैसे हम समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, क्यों करते हैं दैनिक पूर्वानुमान, ताकि क्या हो हम आगे के लिए कोई ना कोई प्लान बना सके। ओके, तो वेदर तो जो हमने बता दिया कि जो डे टू डे वो चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होती है वैसे ही वो हमेशा क्या रहती है, एक जैसा रहती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, डेजर्ट का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, डेजर्ट के अंदर क्या होती है, हमेशा क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। और एक हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे सहारा का, सहारा जो एक डेजर्ट है वहाँ पर हमेशा क्या रहती है, गर्मी रहती है। अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिका की, तो वहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, इसका अपोजिट ऑप्शन होता है। अंटार्कटिका में क्या होता है, हमेशा इसका अपोजिट ऑप्शन होता है, अंटार्कटिका में हमेशा बहुत ठंड रहती है, वहाँ पर हमारे लिए रहना भी क्या है, मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। तो डेजर्ट और जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर मौसम क्या है, जल्दी चेंज नहीं होता, लंबे समय से अभी तक हम देख रहे हैं कि वो वैसा ही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। और जो हमारा जो वेदर है हावर टू हावर या डे टू डे जो चेंज होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पेज नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे हम टेम्परेचर से। आपको क्या का आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको छाटने हैं, और उसको आपने रफ नोटबुक में राइट करके मेरे पास सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।